बीएचयू में चल रहे विवाद के बीच बड़ी खबर आ रही है। बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में मुस्लिम शिक्षक की नियुक्ति विवाद के बीच डॉक्टर फिरोज खान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अब कला संकाय के संस्कृत विभाग में ज्वाइन कर लिया है। बीएचयू में संस्कृत की पढ़ाई कला संकाय, आयुर्वेद संकाय और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में होती है। विवाद के बीच फिरोज खान ने बीएचयू के कला और आयुर्वेद संकाय में भी इंटरव्यू दिया। दो दिन पहले खुले रिजल्ट के लिफाफे में फिरोज खान का सिलेक्शन दोनों ही विभागों में हो गया। 9 दिसंबर यानी सोमवार को होलकर भवन से उन्हें नियुक्ति पत्र जारी हो गए और ज्वाइनिंग का समय 1 महीने का दिया गया। बीएचयू प्रशासन ने भी उसकी पुष्टि कर दी है। माना जा रहा है कि डॉक्टर फिरोज ने कला विभाग इसलिए चुना ताकि उन्हें यहाँ शोध के विद्यार्थी मिल सके। और संस्कृत विभाग कला संकाय में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अरे ये बात आप लोगों को कब पता चली? ये कल उनका इस्तीफा आया हमारे पास, हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया कुल सचिव महोदय के पास। तो उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या लिखा कि आखिर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? वो संस्कृत विभाग में ज्वाइन करना इसलिए दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने पूरे इस्तीफे की बात आप लोगों को कल दी? इस्तीफा कल दिया। तो उसमें उन्होंने लिखा क्या, कोई कारण तो बताया होगा क्या आखिर क्या? संस्कृत विभाग में ज्वाइन करना है इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, यहाँ से कार्यमुक्त होना चाहते हैं। तो आप इस कदम को कैसे देखते हैं? ऐसे लगातार लगभग 15-20 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हुए हैं इस संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में गैर हिंदू प्रोफेसर को लेकर के, अब संस्कृत विभाग में नियुक्ति हो गई, अब माना जा सकता है विश्वविद्यालय ने बीच का रास्ता निकाला? मैं सामान्य दृष्टि से इसे देखता हूँ, चूंकि मैं इस बीच में कहीं अधिकारी नहीं था, एक अध्यापक था। अभी मुझे फिलहाल संकाय प्रमुख महोदय हमारे बीमार हैं, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है। तो मैं इसे मानता हूं कि अभी कल फिरोज जी ने इस्तीफा दे दिया और ये सारा जो समस्या जो थी पूरी उसका समाधान हो गया, मैं ऐसा समझता हूं।